सायशा और मिसेस सिन्हा की फोन पर बातचीत अब तक जारी थी। सायशा ने फोन पर कहा, मैं कुछ समझी नहीं। उसकी बात पर उन्होंने रिप्लाई किया, मैं तुम्हें न्यूज की लिंक शेयर करती हूँ, उसे देखना। वैसे आई एम श्योर मिस्टर अभय खन्ना को जैसे ही ये न्यूज पता चलेगी, वो इस न्यूज की अफवाह फैलाने वालों को अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। ये बोलकर वो चुप हो गई। सायशा ने सपाट लहजे में कहा, आप लिंक शेयर कर दीजिए। ओके, बोलकर मिसेस सिन्हा ने फोन कट कर दिया। फोन काटते ही उन्होंने सायशा को न्यूज की लिंक शेयर कर दी, जिसमें न्यूज चैनल वाला रिपोर्टर जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था, अलुवालिया फैमिली की एक नहीं बल्कि दो बेटियां हैं। दूसरी बेटी और कोई नहीं बल्कि मिस्टर अभय खन्ना की वाइफ मिसेस सायशा खन्ना है। उनकी माँ का मिस्टर रंजन अलुवालिया से नाजायज संबंध था। और इतना ही नहीं, मिसेस सायशा खन्ना अपनी सौतेली बहन यानी राशि अलुवालिया को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की थी। वो अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालना चाहती थी। ये सब न्यूज देखकर सायशा का दिमाग खराब हो गया। उसने तुरंत फोन साइड में रख दिया कि तभी वहाँ अभय और अमित दोनों एक साथ पहुँचे। उन दोनों की बातचीत देखकर समझ में आ रहा था कि इस वक्त दोनों कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन में बिजी हैं। वो दोनों सायशा के पास रखे सोफे पर सेटल हो गए। अमित अभी भी अभय से कंटिन्यू अपनी बातें कहे जा रहा था। वो कह रहा था, भैया इस बार अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो मजबूरन मुझे आगे आना पड़ेगा। अभय ने अपने अंदाज में उसे रिप्लाई दिया, अमित इन सब कामों के लिए तुम अभी काफी छोटे हो, सही वक्त आने का इंतजार करो। उन दोनों की बातें सुनकर सायशा ने अमित की ओर देखा और कहा, अमित तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अमित ने अपना मोबाइल फोन पॉकेट से निकाल कर उसे सेम न्यूज दिखाई जिसे कुछ देर पहले सायशा ने अपने फोन पर पढ़ा था। उस न्यूज को देखकर सायशा ने रिप्लाई किया, हाँ मैंने भी इसे अभी देखा था। अमित ने अभय की ओर देखकर कहा, भैया वो अलुवालिया फैमिली बार बार हमारी फैमिली के बारे में उल्टी सीधी बातें कह रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उल्टी सीधे बयान देती है। हमने एक बार भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया? क्या आप किसी बात से डरते हैं? उसकी बात सुनकर अभय ने आईब्रोज उचका कर कहा, क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? अमित ने चिल्लाते हुए कहा, तो फिर भैया एक बार क्यों हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देकर उनका मुंह बंद क्यों नहीं करा देते? अभय ने तिरछी स्माइल देते हुए कहा, तुम्हें तो पता होगा अलुवालिया फैमिली दिवालिया हो चुकी है, उसके पीछे किसका हाथ है ये भी तुम्हें पता होगा भाई। उसकी बात सुनकर अमित कुछ सोचने लगा। सायशा गौर से उन दोनों की बातें सुन रही थी। अमित ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, भैया मुझे आप लोगों की बातें समझ में नहीं आती। उन सब की बातचीत चली रही थी कि तभी वहां सैंडी पहुंचा। सैंडी ने बड़े कायदे से उन तीनों की ओर देखकर कहा, डिनर रेडी हो चुका है। सैंडी की बात सुनकर अमित ने बेपरवाही से कहा, आज हम तीनों खाना बाहर खाएंगे। अमित की बात सुनकर अभय और सायशा उसकी ओर देखने लगे। अमित ने उन दोनों की ओर देखकर कहा, अलुवालिया के चक्कर में मैं आपको बताना ही भूल गया था कि आज मैं आप दोनों को बहुत अच्छा डिनर ट्रीट देने वाला था, आप दोनों प्लीज रेडी हो जाइए। उसकी बात सुनकर अभय ने सायशा की ओर सवालिया नजरों से देखा। सायशा ने अमित की ओर देखकर कहा, अमित तुम दोनों जाओ, मैं नहीं आ सकती। उसकी बात सुनकर अमित ने जिद करते हुए कहा, भाभी प्लीज, मैंने वहाँ हमारे लिए स्पेशल टेबल बुक कराई है, अगर आप नहीं जाएंगी तो आई एम श्योर भैया भी नहीं जाएंगे, तो फिर मैं वहाँ अकेला जाकर क्या करूंगा? अभय ने सायशा की ओर देखकर कहा, सायशा डिनर के लिए रेडी हो जाओ, अमित ने इतने मन से हमारे लिए प्लान किया है। सायशा ने उन दोनों की ओर देखा और कहा, मैं 5 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। ये बोलकर वो वहां से चले गए। अमित और अभय दोनों एक दूसरे से अपनी बातचीत में बिजी थे। कुछ देर बाद सायशा रेडी होकर वहां आ चुके थे। वो तीनों डिनर के लिए निकल चुके थे। कुछ देर बाद उनकी कार एक बड़े से होटल के सामने आकर रुकी। वहां कार रुकते ही वहां मौजूद दरबार ने सायशा के साइड आकर डोर ओपन किया और वो तीनों होटल के अंदर एंटर हुए। उनके वहां आते ही वेटर उनके पास पहुंचा और उन तीनों को अपने साथ लेकर स्पेशल केबिन की ओर ले गया, जहां कैंडल लाइट टेबल पहले से अरेंज करके रखी गई थी। वो तीनों वहां सेटल हो गए। अमित ने स्माइल करते हुए अभय और सायशा की ओर देखा और कहा, आप लोगों को ये जगह कैसी लगी? अभय ने हाँ में सर हिलाया और कहा, अच्छी है। अमित ने अभय और सायशा की ओर मैंने बुक पास करते हुए कहा, आप दोनों डिनर ऑर्डर कीजिए। सायशा ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम दोनों अपनी पसंद का कुछ ऑर्डर कर लो और मेरे लिए ज्यादा स्पाइसी खाना ऑर्डर मत करना, वरना आयांश को प्रॉब्लम होगी। मैं भी आई। ये बोलकर सायशा वहां से उठकर वॉशरूम की ओर चली गई। कुछ देर बाद जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकले, उसकी नजर वॉशरूम के बाहर मौजूद रंजन अलुवालिया पर पड़ी। उनके हाव भाव देखकर समझ में आ रहा था कि मिस्टर रंजन सायशा के बाहर आने का ही वेट कर रहे थे। उन्हें अपने सामने देखकर सायशा ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और वहां से वो जाने लगी कि तभी उसका मोबाइल बजा।
साइशा ने जैसे ही अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखा, उसके मोबाइल स्क्रीन पर मिस्टर रंजन का नाम डिस्प्ले हो रहा था। हालांकि साइशा का उनके साथ बात करने का कोई मन नहीं था, लेकिन उसे पता था कि अगर वो इस वक्त फोन पर बात नहीं करेगी तो मिस्टर रंजन उससे बात करने उसके टेबल तक पहुंच जाएंगे और वो अमित और अभय का मूड खराब नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने ये सारी बातें सोची और गहरी सांस लेकर खुद को उनसे बात करने के लिए तैयार किया। साइशा ने जैसे ही फोन रिसीव किया, दूसरी ओर से रंजन की आवाज आई, मुझे पता चला है कि तुम्हारा बेटा हुआ है। उसकी बात सुनकर साइशा ने रिप्लाई किया, जी हाँ। रंजन ने हंसते हुए कहा, वो कैसा है? साइशा ने अपनी आवाज सख्त करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि आपको इस बात से कोई फर्क पड़ना चाहिए। रंजन ने अपनी आवाज कड़क करते हुए कहा, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, वो मेरा खून है, उसकी रगों में अलुवालिया फैमिली का भी खून दौड़ रहा है, आफ्टर ऑल वो तुम्हारा बेटा जो है। उनकी बात सुनकर साइशा का खून गुस्से से खौलने लगा। उसने रिप्लाई किया, आप इतनी बड़ी गलतफहमी मत पालिए, उसका कनेक्शन आपसे दूर दूर तक नहीं है, उसके अंदर उसके डैड का खून दौड़ रहा है, वो खन्ना फैमिली का वारिस है। उसकी बात सुनकर रंजन ने हंसते हुए कहा, क्या मुझे तुम्हें फिर से याद दिलाने की जरूरत है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, हम दोनों के डीएनए भी एक हैं। वो अपनी बात पूरी कर पाते इसके पहले ही साइशा ने उन्हें डांटते हुए कहा, मिस्टर अलुवालिया, आप मेरे डैड नहीं है, आपका और मेरा डीएनए भी एक नहीं है, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है। मिस्टर रंजन ने रिप्लाई दिया, मैं जानता हूँ ये सारी बातें तुम मुझसे नाराजगी में कह रही हो, तुम मुझसे हमेशा इस बात से नाराज रहती हो ना कि मैंने कभी पिता होने का फर्ज नहीं निभाया, लेकिन पता नहीं क्यों जब से मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा हुआ है, मुझे अजीब सी खुशी महसूस हुई। जवाब में साइशा ने कहा, मिस्टर अलुवालिया, आप अपनी बेटी को बचाने के लिए कौन सा नया दांव खेलना चाहते हैं? मैंने कहा ना, मेरे बेटे का आपसे कोई संबंध नहीं है, और प्लीज इस बात को आप बार बार रिपीट मत कीजिए। कि बोलकर साइशा ने फोन कट कर दिया और वापस टेबल पर आ गई। अमित ने साइशा का फेस देखकर कुछ नहीं समझा, लेकिन हमेशा की तरह अभय ने उसके चेहरे की सारी कहानियां पढ़ ली थी। उसने साइशा की ओर देखकर कहा, तुम ठीक हो ना? साइशा ने उसकी आंखों में देखकर हां में सर हिला दिया। तब तक उनका खाना सर्व हो चुका था, इसीलिए अभय ने भी साइशा को इस बारे में ज्यादा सवाल नहीं किए। रात के 1 बज चुके थे। इस वक्त अभय आयांश को अपनी गोद में लेकर बेडरूम के अंदर मौजूद था। हालांकि इस वक्त आयांश सोया हुआ था। कुछ देर बाद साइशा चेंज करके अपने बेड पर पहुंची। साइशा के चेहरे पर अभी परेशानी के भाव थे। अभय ने आयांश को उसके झूले में लिटा दिया और बेड पर अपनी साइड में आकर बैठ गया। उसने साइशा की ओर देखकर कहा, क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो? उसकी बात सुनकर साइशा ने उसकी आंखों में झांक कर देखा और कहा, अभय, मेरी जिंदगी कितनी अजीब है ना, मेरी जैसी कोई बदकिस्मत लड़की होती होगी क्या जिसे खुद उसके पिता को पहचानने के लिए महज कागज के टुकड़ों की जरूरत होती है। ये कहते वक्त उसका गला भर आया। अभय उसकी आंखों में देख रहा था। उसने कुछ सोचते हुए कहा, क्या बात है, तुम अलवालिया लोगों की न्यूज सुनकर परेशान हो क्या? साइशा ने जवाब दिया, नहीं अभय, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी जिंदगी से परेशान होने लगी हूँ, अपने वजूद से डरने लगी हूँ, मैंने अकेले रहना सीख लिया है, लेकिन अब मुझसे अकेलापन सहन नहीं होगा। ये कहने के बाद वो चुप हो गए। अभय सरक कर उसके करीब पहुंचा और उसका सर अपने कंधे पर टिकाते हुए बोला, साइशा, तुम मेरे लिए और आयांश के लिए बहुत मायने रखते हो, हम दोनों तुम्हें देख कर जीते हैं। ये कहते हुए वो उसके बालों को सहलाने लगा। फिर उसने धीरे से कहा, क्या तुम्हारी मुलाकात मिस्टर रंजन अलवालिया से हुई थी? ये कहते वक्त उसकी आवाज में गुस्सा था। साइशा ने रोते हुए उसकी ओर हैरानी भरी नजरों से देखकर कहा, कि बात तुम्हें कैसे पता चली? अभय ने तिरछी स्माइल देते हुए कहा, जब हम डिनर के बाद वापस आ रहे थे तब मैंने मिस्टर रंजन अलवालिया के ड्राइवर को उस होटल के बाहर देखा था, उसी वक्त मैं सारी बातें समझ गया था। खैर, तुम ये सब बातें छोड़ो और ये बताओ, क्या कहा उसने? साइशा ने रिप्लाई किया, जब मैं वॉशरूम से बाहर आ रही थी तब मिस्टर रंजन अलवालिया वहां मौजूद थे, मैंने उनसे कोई बात नहीं की और उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ने लगी, तब उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने सोचा कि तुम्हारा और अमित का मूड ऑफ मत हो, इसीलिए मैंने उनका फोन रिसीव कर लिया। अभय बड़े गौर से साइशा की बातें सुन रहा था। फिर उसने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, वो फोन पर मुझसे आयांश के बारे में पूछ रहे थे, जब मैंने उनसे कहा कि वो उनका कुछ नहीं लगता तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरा और उनका डीएनए एक है, वो मेरे पिता है, कि बात मुझे याद रखनी चाहिए। साइशा की बात सुनकर अभय के चेहरे पर गहरे भाव आ गए। साइशा ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, फिर मैंने उनसे कहा कि वो मेरे पिता नहीं है, उनका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, और वो राशि को बचाने के लिए मुझसे दांव खेलना बंद करें। ये बोलकर मैंने फोन काट दिया।
ये कहते वक्त सायशा की आवाज में बहुत दर्द था। अब मैंने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तुम परेशान मत हो। सायशा ने रोते हुए कहा, अब है जिंदगी क्यों मुझे हर वक्त दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है, क्यों मुझे हर वक्त इतनी तकलीफ मिलती है। ये बोलकर वो फपक कर रोने लगी। अभय ने उसे चुप कराते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा। फिर कुछ सोचते हुए अभय ने कहा, सायशा राशिद तुमसे उम्र में कितनी बड़ी है। सायशा ने जवाब दिया, ज्यादा नहीं, हम दोनों की एज में एक साल का फर्क है। उसकी बात सुनकर अभय कुछ सोचने लगा। सायशा ने सवालिया नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, तुमने ये सवाल क्यों किया। अभय ने रिप्लाई किया, बस यूं ही। क्या अभय के सवाल के पीछे उसका कोई मकसद था, आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। अगली सुबह सायशा रोज की तरह टाइम पर यूनिवर्सिटी पहुंची। वो जैसे ही स्टाफ रूम में पहुंची, लावण्या ने उसके पास आकर कहा, सायशा आज तुमने आने में कितनी देर कर दी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये लाइन कहते वक्त उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। उसकी बात सुनकर सायशा ने आंखें सिकोड़ कर कहा, क्या बात है, आज तो तुम बहुत खुश हो। लावण्या ने कंधे उचका कर कहा, हाँ आज कुछ बात ही ऐसी है। सायशा ने उसकी ओर हैरान होकर देखा। लावण्या का जवाब आया, तुम्हें पता है आज पहली बार समीर ने मुझे खुद आगे से कॉल करके लंच के लिए बुलाया है, और आज उसकी आवाज में बहुत खुशी थी। ये बात सुनकर तो सायशा ने खुश होकर कहा, लगता है समीर के दिल में भी तुम्हारे लिए कुछ होने लगा है। लावण्या ने उसका हाथ पकड़ के कहा, वो सब ठीक है, लेकिन आज तुम भी मेरे साथ चलोगे ओके। उसकी बात सुनकर सायशा ने नहीं में सर हिलाते हुए कहा, नहीं लावण्या, समीर ने तुम्हें बुलाया है, इसीलिए मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती, तुम दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। उन दोनों की बातचीत चली रही थी कि तभी सायशा का फोन बजा। उसकी मोबाइल स्क्रीन पर समीर का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। सायशा ने जैसे ही फोन रिसीव किया, दूसरी ओर से समीर ने कहा, सायशा तुम कैसी हो। सायशा ने रिप्लाई किया, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। समीर ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, मैंने तुम्हें इसीलिए कॉल किया है कि आज लंच तुम मेरे और लावण्या के साथ बाहर करोगे ओके, और प्लीज कोई बहाना नहीं चलेगा। सायशा का रिप्लाई सुने बगैर ही उसने फोन कट कर दिया। फोन कट होने के बाद लावण्या ने उसकी ओर देखा और कहा, किसका कॉल था। सायशा ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारे समीर का कॉल था, तुम दोनों अकेले बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड क्यों नहीं करते हो, उसने मुझे तुम्हारे साथ लंच में इनवाइट किया है। ये बात सुनकर लावण्या ने उसका हाथ पकड़ा और खुश होकर कहा, ये हुई ना बात। पर कुछ सोचकर सायशा ने कहा, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम और समीर कुछ पल अकेले में गुजारो, साथ में बात करो, वहाँ मेरे होने से तुम दोनों खुलकर बातें नहीं कर पाओगे। लावण्या ने नहीं में सर हिलाते हुए कहा, सायशा से कोई बात नहीं है, बल्कि तुम हम दोनों की सबसे अच्छी दोस्त हो, इसीलिए हम दोनों हमारे खास मौके पर हमेशा तुम्हारा साथ चाहते हैं। सायशा ने जवाब में स्माइल कर दिया। दोपहर के 1 बजे सायशा लावण्या के साथ होटल पहुंची। वहां पहुंचते ही एक वेटर ने लावण्या के पास आकर कहा, मैडम आपके लिए स्पेशल टेबल अरेंज की गई है, आइए मेरे साथ। ये बोलकर वो वेटर आगे चलने लगा। लावण्या और सायशा उसे फॉलो करती हुई एक बड़ी सी टेबल के पास पहुंचे। वो टेबल रेड रोजेस से डेकोरेटेड थी और टेबल के बीचों बीच रेड कलर के गुलाब से बड़ा सा दिल बना हुआ था। उस टेबल को देखकर सायशा ने लावण्या को कोहनी मारते हुए कहा, लगता है आज समीर तुम्हें प्रपोज करने वाला है। लावण्या ने नहीं में सर हिलाते हुए कहा, सायशा मैं इतनी खुशनसीब नहीं हूँ कि वो मुझे प्रपोज करे, मुझे लगता है हम गलती से गलत टेबल पर आ गए, चलो ये हमारी टेबल नहीं है। ये बोलकर वो दोनों जैसे ही वहां से जाने के लिए पीछे मुड़े, सामने समीर मौजूद था। उसके हाथ में रेड कलर का रोज था और उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। लावण्या को देखकर उसने कहा, थैंक यू सो मच मेरी वीरान सी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां भरने के लिए, थैंक यू सो मच मेरे टूटे हुए दिल को ढेर सारा प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में आकर उसे अपनी तरह खूबसूरत बनाने के लिए। ये कहने के बाद समीर ने सायशा पर नजर डाली और कहा, सायशा आज तुम हमारे प्यार की गवाह बनने जा रही हो। लावण्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सारी लाइन समीर उससे कह रहा है। वो बुत बनी उसे मुंह फाड़े हैरानी से देख रही थी। समीर अपने घुटनों पर बैठ गया और अपने पॉकेट से रिंग बॉक्स निकालकर उसे शो करते हुए कहा, लावण्या विल यू मैरी मी। ये बोलकर वो लावण्या को देखने लगा। एक पल के लिए लावण्या को सब सपने जैसा लग रहा था। वहां मौजूद सायशा बच्चों की तरह खुश होकर उछल कर बोली, लावण्या जल्दी से हाँ कह दो, इसके पहले समीर का मूड बदल जाए। लावण्या की आंखों से खुशी के आंसू आने लगे और उसने धीरे से हाँ में सर हिला दिया और अपना लेफ्ट हैंड आगे किया।
समीर ने अंगूठी निकाली और उसके रिंग फिंगर में पहना दी। उसके ऐसा करते ही लावण्या रोते हुए समीर के गले लग गई और बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। समीर ने उसके माथे पर किस किया और कहा, आई लव यू सो मच लावण्या। लावण्या ने एक बार फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया। वहां मौजूद साईशा ने गला साफ करते हुए शरारती लहजे में कहा, अगर रोमियो जूलियट का रोमांस खत्म हो गया तो क्या हम लंच ऑर्डर करें? मुझे तो जोरों की भूख लग रही है। साईशा की बात सुनकर वो दोनों अपने ख्यालों से बाहर आए। लावण्या खुश होकर साईशा को गले लगाते हुए कहती है, थैंक यू सो मच, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। समीर ने भी स्माइल किया और कहा, सचमुच तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो, थैंक यू सो मच। साईशा ने अपने कंधे थपथपाते हुए कहा, वो तो मैं हूँ ही। उसकी बात सुनकर वो दोनों जोर से हंस पड़े। शाम के 6 बजे साईशा पैलेस पहुंच चुकी थी। आज वो लावण्या और समीर के लिए बहुत खुश थी। वो पैलेस के लिविंग रूम में बैठकर आयांश के साथ खेल रही थी कि तभी वहां अभय पहुंचा। साईशा ने आयांश के साथ खेलते हुए कहा, आयांश देखो तुम्हारे डैडी आ गए। अभय वहां रखे सोफे पर बैठ गया। अभय ने साईशा की ओर देखकर कहा, साईशा आज अमित ने आर्यन और पल्लवी को घर पर डिनर के लिए इन्वाइट किया, आई होप तुम्हें उनके आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात सुनकर साईशा को कोई खास खुशी तो नहीं हुई, लेकिन उसने अमित के खातिर जवाब दिया, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि तभी वहां सैंडी पहुंचा और उसने हाथ बांधकर साईशा और अभय की ओर देखा और कहा, आर्यन सर पल्लवी मेम साहब के साथ आ चुके हैं। अभय ने हाँ में सर हिलाया और कहा, उन्हें अंदर ले आओ। सैंडी ने जवाब दिया, आर्यन सर चाहते हैं कि उनके आने की खबर पहले आपको दी जाए। अभय ने आंखें गोल घुमाकर कहा, ये आर्यन का कौन सा नया पागलपन है, ठीक है उन्हें अंदर ले आओ। ये लास्ट वर्ड अभय ने थोड़ी नाराजगी से कहे थे। ओके सर बोलकर सैंडी वहां से चला गया। साईशा आयांश को लेकर वहां से जाने लगी। अभय ने उसे रोकते हुए कहा, तुम कहां जा रही हो? साईशा ने रिप्लाई किया, अभय मुझे डर है कि मेरी वजह से फिर से तुम लोगों के बीच कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसीलिए मैं आयांश को लेकर अपने बेडरूम में जा रही हूँ। अभय ने गहरी सांस लेकर कहा, साईशा हम फैमिली हैं और हर फैमिली में मन मुटाव होता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम अपने आप को उससे छिपाने की कोशिश करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। साईशा ने हाँ में सर हिला दिया और तभी वहां आर्यन पहुंचा। उसके साथ पल्लवी भी मौजूद थी। पल्लवी की गोद में उसका बेटा भी था जो कि कंटिन्यूअसली रो रहा था और पल्लवी से चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अभय और आयांश ने उन दोनों का वेलकम किया। साईशा ने कई दिनों बाद पल्लवी को देखा था। पल्लवी चेहरे से काफी परेशान दिख रही थी। उसके हमेशा चमकने वाले चेहरे पर एजिंग लाइन समझ में आ रही थी और उसके महंगे कपड़े पर कई तरह के दाग लगे हुए थे। पल्लवी ने भी साईशा और अभय को हेलो कहा और पास में रखे सोफे पर बैठ गए। उनका बेटा अब तक रो रहा था। अभय की ओर देखकर आर्यन ने कहा, जिसने हमें यहाँ डिनर पर इनवाइट किया है वो कहाँ है? जवाब में अभय ने कहा, बस वो भी आता ही होगा। आर्यन ने पल्लवी पर नजर डाली। वो अब तक बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। आर्यन ने साईशा की गोद में खेल रहे आयांश की ओर देखा और उसने फिर अभय की ओर देखकर कहा, आयांश काफी बड़ा हो गया है। अभय ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। पल्लवी ने अपने बच्चे को चुप कराते हुए कहा, देखो चुप हो जाओ वरना तुम पर तुम्हारा बड़ा भाई हंसेगा, तुम्हें भी अपने भाई जैसा बनना चाहिए। ये बोलकर वो उसे फिर से चुप कराने लगी। उसकी ये बात सुनकर आर्यन गुस्से से खौल उठा। उसे दांत पीसते हुए देखा और चिल्लाकर कहा, तुमसे एक बच्चा भी नहीं संभाला जा सकता, यहाँ से जाओ और जाकर बच्चे को चुप कराओ। ये लाइन उसने बहुत गुस्से और नफरत से कही थी। उसकी बात सुनकर पल्लवी ने हाँ में सर हिलाया और वो बच्चे को बहलाने के लिए पैलेस से बाहर बने गार्डन की ओर चली गई। आर्यन का इस तरह पल्लवी पर चिल्लाना अभय और साईशा दोनों को बहुत अजीब लगा, क्योंकि आर्यन तो हर वक्त पल्लवी की तारीफ के पुल बांधा करता था। आज उसने उसे पल्लवी को इस तरह सभी के सामने बेइज्जत किया, ये बात उन दोनों को कुछ हजम नहीं हुई। और उधर पल्लवी गार्डन में बनी बेंच पर अकेली बैठी हुई थी कि तभी वहां अमित पहुंचा। इस वक्त वो स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में था। उसकी नजर जैसे ही पल्लवी पर पड़ी, एक पल के लिए उसने सोचा कि उसे इग्नोर करके चले जाना चाहिए, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि पल्लवी अकेली बैठकर रो रही है, इसीलिए वो पल्लवी के सामने जाकर खड़ा हो गया। अचानक अमित को वहां देखकर पल्लवी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अरे अमित तुम आ गए? अमित ने धीरे से कहा, भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? पल्लवी ने रोते हुए बच्चे की ओर इशारा किया और कहा, बस इसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। अमित ने पल्लवी की ओर देखकर कहा, आप रो क्यों रही हैं, सब ठीक तो है ना? पल्लवी ने धीरे से नहीं में सर हिला दिया और कहा, नहीं अमित कुछ भी ठीक नहीं है, मैं रोज तिल तिल कर मर रही हूँ। अमित को उसकी तकलीफ देखकर अच्छा नहीं लगा। पल्लवी ने अमित से कहा, अमित अंदर जाकर अपने भाई को मेरे बारे में मत बताना प्लीज। अमित पैलेस के अंदर चला गया। और उधर अभय और आर्यन की बातचीत चल रही थी।
आरण्य अभय की ओर देखकर कहा, मैंने सुना है कि रंजन अलवालिया की कंपनी का दिवाला निकल गया है। ये कहने के बाद उसने वहां मौजूद सायशा पर नजर डाली। अभय ने रिप्लाई किया, तुम्हें इस न्यूज को सुनकर खुश होना चाहिए। आर्य ने सायशा पर तीखी नजर डाली और अभय की ओर देखकर कहा, हाँ मैं तो खुश हूँ। फिर उसने सायशा की ओर देखा और बड़े अच्छे से बात करते हुए बोला, वैसे सायशा तुम कुछ कमजोर लग रही हो, सब ठीक तो है ना? ये कहने के बाद उसने अभय पर नजर डाली। अभय चुप था। सायशा ने धीरे से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ सब ठीक है। आर्य ने स्माइल करते हुए कहा, लेकिन आज तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो, तुम दोनों के बीच कोई टेंशन तो नहीं है ना? ये बोलकर वो अभय और सायशा की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। अभय अब तक उसकी बातों को टॉलरेट करने की कोशिश कर रहा था, पर आर्यन उसे प्रोवोक करने की पूरी कोशिश कर रहा था। आगे क्या होगा दोस्तों? क्या आर्यन अपने मंसूबों में कामयाब होगा या फिर अभय उसे उसी की भाषा में जवाब देगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अभय, आर्यन और सायशा अब तक घर के लिविंग रूम में मौजूद थे और उन सब की बातें अब तक जारी थी। आर्यन की बात सुनकर अभय ने अपनी आवाज सख्त करते हुए कहा, आर्यन तुम यहाँ जिस काम के लिए आए हो वो काम करो और यहाँ से जाओ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम्हें हमारी मैरिड लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? ये बात सुनकर आर्यन ने छेड़ते हुए कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत कहा। अभय ने तुरंत रिप्लाई किया, आर्यन क्या मैंने कभी तुमसे तुम्हारे और पल्लवी के रिलेशनशिप के बारे में कुछ पूछा है? नहीं ना, तो फिर तुम क्यों हमारे रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हो? उसकी बात खत्म होते ही आर्यन बोल पड़ा, आखिर मैं भाई हूँ तुम्हारा, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता होना चाहिए। ये बात सुनकर अभय ने दांत पीसते हुए कहा, भाई हो तो अपनी हद में रहकर बात करो, तुम्हें हम दोनों के बारे में पूछने का हक मैंने नहीं दिया है। उन दोनों की बातचीत अब बहस में बदल चुकी थी। वैसे ही वहाँ अमित पहुँचा। अमित ने उन दोनों के बीच बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा, अब मुझे लगता है हमें डिनर करना चाहिए। आर्यन ने अमित की ओर गुस्से से देखा और कहा, अमित मुझे भूख नहीं है। ये बोलकर उसने अपनी व्हीलचेयर बाहर पैलेस की ओर टर्न कर दी। अमित ने उसे रोकना चाहा लेकिन आर्यन नहीं रुका। पैलेस के बाहर निकलते वक्त उसने बहुत जोर से पल्लवी को आवाज लगाई, पल्लवी क्या पूरी रात इसी तरह पैलेस के बाहर बैठने का इरादा है या तुम घर भी चलोगी? ये बात सुनकर पल्लवी बगैर कुछ कहे अपने बच्चे को लेकर उसे फॉलो करती हुई वहां से निकल पड़ी। आर्यन ने पल्लवी को इतनी जोर से चिल्लाया था कि उसकी आवाज घर के अंदर मौजूद अभय, अमित और सायशा तक पहुंची थी। अमित आर्यन को रोकने के लिए बाहर जाना चाहता था लेकिन आर्यन ने अपने पीछे आने से उसे मना कर दिया। कुछ देर में आर्यन पल्लवी के साथ वहां से चला गया। हालांकि इस बार अभय, अमित और सायशा ने आर्यन के पल्लवी के लिए बदले हुए नेचर को बहुत अच्छी तरह नोटिस कर लिया था। और उधर आर्यन पल्लवी को लेकर घर पहुंच चुका था। उनका बेटा अब तक कंटिन्यूसली रो रहा था। घर पहुंचकर आर्यन ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, चुप कराओ, इस जंगली को कब से लगातार रोए जा रहा है? आर्यन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पल्लवी ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, आर्यन तुम अपने बेटे के लिए कैसी बातें कह रहे हो? ये तुम्हारा बेटा है और तुमने इसके लिए कितना वेट किया था, क्या तुम भूल गए? उसकी बात सुनकर आर्यन ने गुस्से भरी नजरों से पल्लवी को देखा और कहा, पल्लवी ये जंगली मेरा बेटा नहीं है, मेरे बच्चे को तो तुमने कितनी बेरहमी से मार दिया था। ये कहते वक्त आर्यन की आवाज में उसका गुस्सा झलक रहा था। आर्यन की बात सुनकर पल्लवी ने आंखें से गौर कर कहा, आर्यन तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, ये तुम्हारा बेटा है। जवाब में आर्यन ने नहीं में सर हिला दिया और कहा, मुझे नहीं पता ये जंगली किसका बेटा है, तुमने किसके बेटे को अपने पेट में पाला? उसकी ये बात सुनकर पल्लवी ने नाराज होते हुए कहा, आर्यन तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, यकीन नहीं होता कि कोई बाप अपने बच्चे के लिए ऐसा कह सकता है, मुझे तो तुम्हारी सोच पर शर्म आती है। जवाब में आर्यन ने कहा, पल्लवी तुम्हारे अंदर शर्म जैसी कोई चीज होती तो आज हमारा रिश्ता इस दौराहे पर आकर कभी खड़ा ना होता। खैर वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि ये बच्चा मेरा नहीं है, वैसे भी IVF के जरिए इस बच्चे का जन्म हुआ है, मेरा और उसका कोई लेना देना नहीं है। ये कहते हुए आर्यन ने अपने मोबाइल पर कुछ डॉक्यूमेंट्स ओपन किए और पल्लवी को शो कर दिए। उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर एक पल के लिए पल्लवी को तो ऐसा लगा मानो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आर्यन की बात सुनकर उसने जोर से रोते हुए कहा, आर्यन तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, बोलो क्यों किया? ये कहते हुए वो रोते हुए आर्यन को देखने लगी। जवाब में आर्यन ने कहा, क्योंकि तुम यही डिजर्व करती थी, तुम्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी ना मुझे अपना पति कहने में, अब देखो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। पल्लवी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, क्या मैं इसके पीछे तुम्हारा मकसद जान सकती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया? आर्यन ने तिरछी स्माइल देते हुए कहा, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, तुम्हें बहुत शौक था ना खेल खेलने का, अब तुम्हारे साथ खेल शुरू हो चुका है।
ये कहते हुए वो बहुत गुस्से भरी नजरों से पल्लवी को देखने लगा। पल्लवी अपनी आंखें बंद करके वहाँ खड़े बड़े से सोफे पर बैठ गई। आर्यन ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हें हर पल हर लम्हा इस बच्चे को देखकर शर्मिंदगी महसूस होगी। पल्लवी ने उसकी ओर देखकर कहा, आर्यन मुझसे तुम किस जन्म का बदला ले रहे हो? जवाब में आर्यन ने कहा, तुम अपने इसी जन्म की गलती की सजा भुगत रही हो। तुमने अपने हाथों से आर्यन का खून कर दिया। जो आर्यन दीवानों की तरह तुमसे प्यार किया करता था, तुमने प्यार करने वाले पति की कदर नहीं की। इसीलिए अब तुम्हारे सामने ये नया आर्यन खड़ा है, जो हर वक्त तुम्हें सिर्फ तकलीफ देगा और बहुत तकलीफ देगा। तुम दूर जाना भी चाहोगी तो तुम्हें दूर नहीं जाने देगा। ये कहते हुए आर्यन गुस्से भरी नजरों से उसकी ओर देखने लगा। पल्लवी ने रोते हुए कहा, आर्यन प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। जवाब में आर्यन ने कहा, तुम्हारे साथ यही सलूक किया जाना चाहिए। एक वक्त था जब मैं तुमसे बहुत से भी बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। उस वक्त तुम्हें मुझ पर शर्मिंदगी महसूस होती थी। तुम्हें एक अपाहिज को अपना पति कहने में इंसल्ट लगती थी। मैंने तुमसे क्या चाहा था? सिर्फ एक बच्चा ही तो चाहा था। और तुमने क्या किया? मेरे बच्चे को बेरहमी से मार डाला। उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हुए वो पल्लवी को घूर कर देखने लगा। अब पल्लवी के पास कोई रास्ता भी तो नहीं बचा था। उसने अपनी आंखों में आंसू खुद ही लिखे थे। और उधर अभय, सायशा और अमित डिनर कर रहे थे। अमित के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उसे परेशान देखकर अभय ने कहा, क्या बात है अमित, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? अमित ने रिप्लाई किया, भैया आर्यन भैया कितने बदल गए। अभय और सायशा चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। अमित ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, वो पल्लवी भाभी को कितना दुख देते हैं, उन्हें हर वक्त टॉर्चर देते हैं। आपने भाभी का चेहरा देखा, वो कितनी तकलीफ में है। ये कहते वक्त अमित काफी इमोशनल हो रहा था। अभय ने गहरी सांस लेकर कहा, अमित मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि पति पत्नी के बीच में किसी तीसरे को नहीं पड़ना चाहिए। उसकी बात खत्म होते ही अमित तुरंत बोल पड़ा, भैया मैं ये बात इंसानियत की खातिर बोल रहा हूँ। पल्लवी भाभी से हमारा रिश्ता है और अगर मैं उनकी मदद नहीं कर पाया तो मुझे इस रिश्ते में रहने का भी कोई हक नहीं है। सायशा ने अभय की ओर देख कर कहा, अभय मुझे लगता है अमित बिल्कुल ठीक कह रहा है। आर्यन पहले से ज्यादा गुस्सा करने लगा है और मैंने भी फील किया है कि पल्लवी बहुत तकलीफ में है। सायशा की बात खत्म होते ही अभय बोल पड़ा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों चुपचाप खाना खाओ। अमित ने जिद करते हुए कहा, नहीं भैया आपको फर्क पड़ना चाहिए, आखिर वो आर्यन भैया की पत्नी है। अभय ने रिप्लाई किया, तुम क्या चाहते हो, मैं जाकर आर्यन से कहूं कि अपनी पत्नी का ध्यान रखो? तुम्हें पता है मेरे ऐसा करने से उनके बीच प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी बल्कि और ज्यादा बढ़ जाएगी। अमित तुरंत बोल पड़ा, भैया कम से कम आप आर्यन भैया से तो बात कर सकते हैं ना, आप उन्हें कह तो सकते हैं ना कि उन्हें अपने नेचर में चेंज करना चाहिए। भैया प्लीज मेरे खातिर। अभय ने आंखें गोल करते हुए अमित की ओर देखा। अमित ने क्यूट सा फेस बनाकर कहा, आई नो भैया आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आप मेरी ये बात जरूर सुनेंगे। अभय ने कहा, क्या पल्लवी ने फिर तुमसे कुछ कहा? अमित ने रिप्लाई किया, नहीं भैया इस बार उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब मैं पैलेस आ रहा था तब भाभी गार्डन में अकेली बैठी हुई थी और वो अकेले बैठकर रो रही थी। मुझे देखकर उन्होंने ऐसा प्रटेंड किया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। जब मैंने जिद करके पूछा तब उन्होंने बताया कि वो बहुत परेशान है। ये कहते वक्त अमित बहुत सीरियस हो रहा था। सायशा ने अभय की ओर देखकर कहा, अभय मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें तुम्हें आर्यन से बात करनी चाहिए। अभय ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है मैं कल आर्यन से बात करता हूँ। ये बात सुनकर अमित के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने खुश होकर कहा, थैंक यू सो मच भैया, आई न्यू इट आप मेरी मदद जरूर करेंगे। अभय ने होठों को कर्ल करते हुए कहा, बस बस अब ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। उसकी ये बात सुनकर अमित और सायशा दोनों हंस पड़े। अगले दिन दोपहर 12 बजे अभय ने आर्यन को कॉल करके अपने ऑफिस आने के लिए कहा। वैसे तो आर्यन को अभय से मिलने का कोई खास मन नहीं था, लेकिन फिर भी उसे अभय से अकेले में काफी कुछ बातें करनी थी, इसीलिए उसने अभय के कहने से उससे मीटिंग के लिए हाँ कह दिया था। इस वक्त आर्यन और अभय के केबिन में मौजूद थे। आर्यन ने उसकी ओर देखकर कहा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, चलो हम दोनों साथ में लंच करते हैं। ये बोलकर अभय अपने केबिन से दूसरी साइड रखे सोफे की ओर चला गया। आर्यन ने रिप्लाई किया, मुझे भूख नहीं है, तुम जल्दी बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अभय सोफे पर सेटल हो गया और उसने लंच बॉक्स ओपन करते हुए आर्यन की ओर देखकर कहा, वैसे सायशा के हाथों का बना खाना है, तुम चाहो तो हम दोनों साथ में खा सकते हैं। आर्यन ने अपनी व्हील चेयर अभय की ओर टर्न कर दी। उन दोनों ने खाना शुरू किया। खाना खाते वक्त आर्यन ने कहा, कुछ भी कहो सायशा से मुझे कितनी भी नफरत क्यों ना हो लेकिन उसके हाथों का खाना बहुत टेस्टी होता है, इसीलिए मैं मना नहीं कर पाता। अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सोचकर अभय ने कहा, आर्यन क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम पहले से काफी बदल गए हो? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप खाना खा रहा था।
अभय ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, दरअसल अमित तुम्हें लेकर काफी परेशान है। उसे लगता है कि तुम पहले से ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हो और वो तुम्हारी बहुत फिक्र करता है। आर्यन ने प्लेट टेबल पर रख दिया और अभय की ओर देखकर कहा, थैंक्स मुझे इतना टेस्टी खाना खिलाने के लिए। ये कहते हुए वो अभय की ओर देखने लगा। अभय का भी लंच हो चुका था। आर्यन ने उसकी ओर देखकर कहा, मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, कोई मकसद नहीं है, बस यूं ही जिंदगी कट रही है। शायद इसीलिए मेरा नेचर चेंज हो रहा है, जवाब में अभय ने कहा। क्यों? तुमने जिससे प्यार किया उसे तुम्हारी शादी हुई और अब तो तुम दोनों का बेटा भी है, जिंदगी ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, फिर तुम उदास क्यों हो? आर्यन ने जवाब दिया, मेरी पत्नी आज भी अपने पुराने प्यार को नहीं भूली है और वो बच्चा मेरा नहीं है। अभय ने आंखें सिकोड़ कर उसकी ओर देखा और कहा, आर्यन जिस दिन पल्लवी ने तुम्हारे साथ शादी की थी, ट्रस्ट मी, उस दिन से मैंने पल्लवी के लिए अपना नजरिया बदल दिया था। अभय की बात सुनकर आर्यन ने तिरछी स्माइल देते हुए कहा, तुम मेरी बातें छोड़ो, मेरी जिंदगी में तुम्हारे सुनने लायक और मेरे बताने लायक कुछ भी नहीं है, तुम अपनी सुनाओ। ये बोलकर वो सवालिया नजरों से अभय की ओर देखने लगा। अभय ने जवाब दिया, मैं सायशा के साथ शादी करके बहुत खुश हूँ। आर्यन ने स्माइल किया और कहा, हम दोनों सगे भाई हैं, हमेशा एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ वक्त आने पर खड़े हो सकते हैं। आर्यन की इस बेतुकी बातों को सुनकर अभय को कुछ समझ भी नहीं आया। आर्यन ने आगे अपनी बातें क्लियर करते हुए कहा, इतने दिनों तक अमित से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, वो कहाँ था? उसकी बात खत्म होते ही अभय तुरंत बोल पड़ा, वो अपनी स्टडीज के लिए बाहर गया हुआ था। आर्यन के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने कहा, अभय तुम भूल रहे हो, मेरा नाम आर्यन खन्ना है, मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता अमित कहाँ गया था? तुम इतने कमजोर क्यों होंगे? क्या तुम ऐसा सोचते हो मुझे कुछ नहीं पता? अभय आर्यन की बात सुनकर हैरान हो गया। आर्यन आखिर क्या चाहता है, आगे क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। आर्यन और अभय की बातें अब तक कंटिन्यू थी। आर्यन अपने सवाल एक एक करके अभय की ओर फेंक रहा था। अभय ने आर्यन की बात पर जवाब दिया, तुम क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो। आर्यन तुरंत बोल पड़ा, अभय यही बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मेरे सवालों का साफ साफ जवाब दो। अभय चुप था। अभय ने गहरी सांस ली और कहा, आर्यन मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि तुम्हें अपनी मैरिड लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। आर्यन तुरंत बोल पड़ा, और मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ ताकि मैं अपने भाई की खैरियत जान सकूं। ये कहने के बाद वो अभय की ओर देखने लगा। अभय ने सपाट लहजे में कहा, मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल अच्छा बताता हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। उसकी बात सुनकर आर्यन ने जवाब दिया, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुम इतने कमजोर कैसे हो गए, हमेशा फिट रहने वाला मेरा भाई आज इतना कमजोर क्यों है? जवाब में अभय ने कंधे उचका कर कहा, अरे कुछ भी नहीं, बस थोड़ा फीवर था इसीलिए। आर्यन ने अभय की ओर देखकर कहा, खैर जो भी है, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम्हारी परेशानी की वजह और कोई नहीं बल्कि सायशा है। मैं तुमसे अब भी कह रहा हूँ, उस लड़की को अपनी लाइफ से निकाल कर फेंक दो, वरना एक दिन तुम बहुत पछताओगे, अभय ने कहा। आर्यन तुम हर बात सायशा से जोड़कर मत देखा करो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ, सायशा बहुत अच्छी लड़की है और मैं उसे अपनी वाइफ बनाकर बहुत ज्यादा खुश हूँ और मुझे कोई पछतावा नहीं है। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे भी समझ में आ चुका था कि अभय के सामने सायशा के खिलाफ कुछ भी कहना बेकार है। आर्यन ने अभय की ओर देखकर कहा, जब भी तुम्हें महसूस हो कि तुम्हें तुम्हारे भाई की जरूरत है, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये बोलकर आर्यन ने अपनी व्हीलचेयर दूसरी ओर टर्न कर दी। अभय ने अपने अंदाज में कहा, और आर्यन मैं भी तुमसे भाई होने के खातिर कह रहा हूँ कि वक्त है संभल जाओ। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। और उधर दोपहर के 1 बज रहे थे। सायशा लावण्या के साथ मौजूद थी। लावण्या ने सायशा की ओर देखकर कहा, सायशा मुझे समीर के साथ डेट पर जाना है, मेरे पास कुछ भी ढंग के कपड़े नहीं है, प्लीज तुम मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलो ना। जवाब में सायशा ने कहा, लेकिन लावण्या आयांश मेरे बगैर परेशान हो जाएगा। उसके इतना कहते ही लावण्या बोल पड़ी, कोई परेशान नहीं होगा, कुछ देर उसे मैरी और सैंडी संभाल सकते हैं, लेकिन अगर मैंने ढंग के कपड़े नहीं लिए तो मेरी ड्रेसिंग सेंस देखकर तुम्हारे भाई ने फिर से अपना इरादा बदल लिया तो सोचो मेरा क्या होगा। आई प्रॉमिस मैं जल्दी अपनी शॉपिंग खत्म कर लूंगी। सायशा ने उसकी ओर देखा। लावण्या ने क्यूट सा फेस बनाकर कहा, प्लीज सायशा मेरे साथ शॉपिंग पर चलो। सायशा ने हाँ में सर हिला दिया। उसने अभय को मैसेज ड्रॉप कर दिया कि आज उसे घर जाने में लेट हो जाएगा और लावण्या के साथ वो शॉपिंग के लिए निकल पड़ी। कुछ देर बाद उसका फोन बजा। उसने जैसे ही अपना फोन निकाला, फोन पर अभय का नाम डिस्प्ले हो रहा था। सायशा ने फोन रिसीव किया। दूसरी ओर से अभय की आवाज आई, शाम को 8 बजे से पहले आ जाना, हम दोनों डिनर साथ में करेंगे ओके।
साइशा ने उसे रिप्लाई किया और अभय ने फोन कट कर दिया। उसके फोन कट होने के बाद साइशा को बहुत दिनों बाद अपना पुराना अभय याद आया, जो कि हर वक्त उस पर अपना हुक्म जमाया करता था। उसे अभय का ऐसा करना अच्छा लगा। कुछ देर बाद उनकी कार शॉपिंग मॉल के सामने आकर रुकी और वो दोनों शॉपिंग मॉल के अंदर चली गई, जहां पहले से राशि मिसेस अलवालिया के साथ मौजूद थी। जैसे ही राशि की नजर शॉपिंग मॉल के अंदर मौजूद साइशा पर पड़ी, उसका खून खौल उठा। उसने मिसेस अलवालिया की ओर देखकर कहा, मॉम आज मैं साइशा का मुंह तोड़ दूंगी। ये बोलकर वो गुस्से से साइशा की ओर जाने लगी। राशि और मिसेस अलवालिया की मौजूदगी से अनजान साइशा मॉल में लावण्या के साथ शॉपिंग में बिजी थी। मिसेस अलवालिया ने जैसे ही साइशा को देखा, उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, ये डायन की बेटी यहाँ भी चली आई, न जाने कब हमें चैन से जीने देगी। राशि ने दांत पीसते हुए कहा, मॉम आज मैं इस लड़की का खेल खत्म ही कर देती हूँ। इसकी वजह से मैं इतने दिनों तक जेल में रही, इसकी वजह से मेरा अभय मुझसे दूर चला गया और इसकी वजह से मैंने कितना कुछ झेला है। आज मैं इस चुड़ैल को सबक सिखाकर रहूंगी। ये कहती हुई वो गुस्सा होकर वहाँ से आगे बढ़ने लगी, लेकिन इसके पहले मिसेस अलवालिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और कहा, लड़की क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये मत भूलो उस पर अभय खन्ना कितना मेहरबान है और उसकी वजह से तुम्हें इतने दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। जवाब में राशि ने दांत पीसते हुए कहा, तो मैं क्या करूं मॉम, क्या उस चुड़ैल को ऐसे ही जाने दूं? उसकी बात सुनकर मिसेस अलवालिया ने कहा, मैंने तुमसे ऐसा तो नहीं कहा। राशि ने गुस्सा करते हुए अपनी माँ की ओर देखा। मिसेस अलवालिया ने तिरछी स्माइल देकर कहा, हम इस डायन की बेटी को फॉलो करते हैं, सही मौका देखकर इसे मजा चखाएंगे। राशि ने हाँ में सर हिला दिया और वो दोनों माँ बेटी छुपकर साइशा को फॉलो करने लगी। और उधर लावण्या ने समीर के फेवरेट कलर की सारी ड्रेसेस खरीद ली थी। लावण्या पेमेंट करने के लिए शॉपिंग मॉल के काउंटर की ओर चली गई। साइशा ने उसकी ओर देखकर कहा, लावण्या मैं अभी वॉशरूम से आई। ये बोलकर वो वहां से वॉशरूम की ओर चली गई। राशि और मिसेस अलवालिया अब तक छुपकर उसे फॉलो कर रही थी। साइशा जैसे ही वॉशरूम के अंदर गई, राशि ने वॉशरूम का डोर बाहर से लॉक कर दिया और वो अपनी माँ के साथ वॉशरूम के बाहर कॉर्नर साइड में छुप गई। कुछ देर बाद साइशा ने जैसे ही वॉशरूम का डोर ओपन करना चाहा, डोर बाहर से लॉक था। ये देखकर साइशा ने जोर से चिल्लाया, प्लीज हेल्प मी, बाहर कोई है, कि तभी से वॉशरूम के बाहर किसी की आहट सुनाई पड़ी। साइशा ने एक बार फिर जोर से चिल्ला कर कहा, क्या कोई मेरी मदद करेगा, कि तभी उस पर किसी ने बाहर से गरम गरम सूप फेंक दिया। हालांकि साइशा की किस्मत अच्छी थी कि उस पर सूप पड़ने के बाद भी उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसके कपड़े और उसके बाल पूरी तरह से खराब हो चुके थे। साइशा ने गुस्सा करते हुए जोर से चिल्लाया, बाहर कौन है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। साइशा ने अपने हैंड पर्स से अपना मोबाइल फोन निकाला और लावण्या का नंबर डायल किया और उधर राशि अपनी माँ के साथ वहां से चली गई। लावण्या ने वॉशरूम पहुंचकर डोर ओपन किया और उसने साइशा के गंदे कपड़े देखकर हैरान होकर कहा, साइशा ये सब क्या है, तुम अंदर लॉक कैसे हो गई थी? साइशा ने उसकी ओर देखकर कहा, लावण्या ये काम किसी ने जानबूझकर किया है। लावण्या ने आंखें सिकोड़कर कहा, लेकिन यहाँ तुम्हें कौन लॉक करेगा? साइशा ने आंखें गोल घुमाते हुए कहा, वो तो अभी हमें पता चल जाएगा, क्या तुम मुझे अपने कपड़ों का सेट दे सकती हो? लावण्या ने तुरंत हाँ में सर हिलाया और कपड़ों का एक सेट निकाल कर साइशा को पास कर दिया। साइशा ने कपड़े चेंज किए और अपने पुराने कपड़े पैकेट में डालकर उसे हाथ में रख लिया और वो लावण्या के साथ शॉपिंग मॉल के मॉनिटरिंग रूम की ओर चले गए। और उधर राशि और मिसेस अलवालिया अपने घर पहुंच चुकी थी और वो दोनों अपने इस छिछोरी हरकत पर बहुत खुश थे। इस वक्त वो दोनों घर के लिविंग रूम में बैठे थे। राशि ने खुश होकर कहा, मॉम आज तो मजा आ गया, आज उस चुड़ैल को पता चलेगा कि राशि से पंखा लेने का मतलब क्या होता है। उसकी स्वाहियात बात पर मिसेस अलवालिया भी जोर जोर से हंस रही थी कि तभी वहाँ मिस्टर रंजन अपनी व्हील चेयर पर पहुंचे। उन्होंने उन दोनों की ये सारी बेवकूफी भरी बातें सुन ली थी। वहाँ पहुंचकर उन्होंने उन दोनों की ओर देखा और परेशान होते हुए कहा, जब भी तुम दोनों माँ बेटी खुश होती हो, तभी हम पर कोई ना कोई नई मुसीबत पड़ती है, अब तुम दोनों ने कौन सा नया खतरा मोल ले लिया? ये कहते वक्त उनकी आवाज में परेशानी के भाव थे। मिसेस अलवालिया ने नाराज होते हुए कहा, तुम पर तो बस हमें कलर ठहराने का भूत हर वक्त सवार रहता है, सारी फसाद की जड़ तुम ही हो, कि बोलकर वो राशि की ओर देखने लगी। रंजन ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, क्या माजरा है, मुझे भी तो बताओ। राशि ने खुश होकर कहा, आपको पता है डैड, आज वो चुड़ैल शॉपिंग मॉल आई थी शॉपिंग करने के लिए। ये लास्ट वर्ड उसने थोड़े अजीब तरीके से कहे थे। रंजन ने आंखें सिकोड़ कर कहा, तुम किस चुड़ैल की बात कर रही हो? वहाँ मौजूद मिसेस अलवालिया ने फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहा, वही तुम्हारी बेटी साइशा। रंजन ने सीरियस होकर राशि की ओर देखा और कहा, तुमने उसे परेशान तो नहीं किया ना? मिसेस अलवालिया ने थोड़ा इतराते हुए कहा, सुनो
वो मेरी बेटी है और मेरी तरह दमदार है। हम दोनों माँ बेटी ने आज उसे वॉशरूम के अंदर बंद कर दिया। फिर राशि ने हंसते हुए कहा, और इतना ही नहीं डैड, हमने उस पर गर्म सूप भी फेंक दिया। बेचारी अब तक अपने कपड़ों के दाग छुड़ाने में परेशान होती होगी। ये बोलकर वो दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगी। उन दोनों की ये बात सुनकर बेचारे रंजन अहलूवालिया परेशान हो गए। उन्होंने अपने सर पर हाथ रख के कहा, न जाने मैंने किस नक्षत्र में इस बेवकूफ औरत से शादी की थी और न जाने किस मुहूर्त में ये बेवकूफ पैदा हुई थी। उन्होंने पहली लाइन मिसेस अहलूवालिया की ओर देखकर कही और दूसरी लाइन उसने राशि की ओर देखकर कही थी। उनकी ये बात सुनकर राशि और मिसेस अहलूवालिया मुंह बनाकर उनकी ओर देखने लगी। रंजन ने उन दोनों को डांटते हुए कहा, बेवकूफ हो क्या, तुम दोनों को पता है कि शॉपिंग मॉल में हर तरफ कैमरे लगे हुए होते हैं, और तुम्हें क्या लगता है वो अब है तुम दोनों को ऐसे ही छोड़ देगा। ये कहते वक्त उनकी आवाज में उनका गुस्सा साफ झलक रहा था। राशि ने जवाब दिया, डैड वॉशरूम में कैमरे नहीं लगे होते। रंजन ने अपने सर पर हाथ रख के कहा, वॉशरूम के बाहर तो कैमरे लगे होते हैं, क्या उन कैमरों में तुम दोनों नजर नहीं आई होगी। रंजन की बात सुनकर मिसेस अहलूवालिया और राशि एक दूसरे की ओर देखने लगे कि तभी राशि का फोन बजा। राशि ने जैसे ही अपना फोन निकाला, फोन की स्क्रीन पर सायशा का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। सायशा का नंबर डिस्प्ले होते देखकर राशि ने परेशान होते हुए अपनी माँ को देखा और कहा, मॉम ये चुड़ैल मुझे कॉल क्यों कर रही है। उसकी बात सुनकर वो भी डर गई, क्योंकि वो भी राशि के इस गुनाह में बराबर की जो हकदार थी। मिसेस अहलूवालिया ने रंजन की ओर देखा और कहा, तुम हमें बाद में डांट लेना, प्लीज हमें इस डैड की बेटी से बचा लो। ये कहते वक्त उनकी आवाज में डर था। रंजन ने आंखें गोल घुमाते हुए कहा, मैंने जरूर कोई बहुत पाप किए होंगे जो मुझे ऐसी बेवकूफ पत्नी और उससे भी बड़ी बेवकूफ बेटी मिली है। ये बड़बड़ करते हुए उन्होंने राशि के हाथों से फोन लिया और वहाँ से स्टडी की ओर चले गए। उनके वहाँ से जाने के बाद मिसेस अहलूवालिया ने गहरी सांस लेकर कहा, चलो भला चली। इस पर राशि ने अपनी माँ की ओर देखकर कहा, मॉम कहीं चुड़ैल को पता तो नहीं चल गया कि हम दोनों ने इसे वॉशरूम में बंद कर दिया था। मॉम मुझे फिर से जेल नहीं जाना है। ये कहते हुए वो अपनी माँ का हाथ पकड़ के बैठ गई। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ के कहा, मेरी बच्ची तुम्हें कोई टच तक नहीं कर सकता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये बोलकर उन्होंने राशि का सर अपने कंधे पर रख लिया और उसके बालों को सहलाने लगी। आगे क्या होगा? क्या सायशा को राशि और मिसेस अहलूवालिया की सच्चाई पता चल गई है? अब वो क्या करेगी? जाने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। सायशा राशि के मोबाइल पर अब तक कनेक्टेड थी और राशि का मोबाइल लेकर मिस्टर रंजन अहलूवालिया स्टडी की ओर जा चुके थे। वहां पहुंचकर उन्होंने जैसे ही फोन रिसीव किया, दूसरी ओर से सायशा की आवाज आई, राशि जेल की हवा खाने के बाद भी तुम नहीं सुधरी ना, लगता है तुम्हें फिर से अपने ससुराल जाने का बहुत मन है, राइट? उसके इतना कहते ही मिस्टर रंजन अहलूवालिया ने रिप्लाई किया, नहीं उसका ऐसा कोई मन नहीं है। सायशा उनकी आवाज सुनकर चुप हो गई। रंजन ने रिप्लाई किया, अपने डैड की आवाज तो पहचानती होगी ना बेटी। मिस्टर रंजन की आवाज सुनकर सायशा के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने रिप्लाई किया और कहा, ओ तो इस बार फिर से आप अपनी बेटी की गलतियों पर पर्दा डालने के लिए तैयार हैं, हम? मिस्टर रंजन अहलूवालिया को अच्छी तरह पता था कि अभय के खिलाफ खड़े होना उनके लिए कितना मुश्किल है, और पिछली बार राशि जब जेल गई थी तब उन्हें अभय की ताकत का और भी अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था, और वो ये भी जानते थे कि अभय सायशा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए उन्होंने सायशा को गालियां देने की बजाय उसे प्यार से समझाने की कोशिश करना ज्यादा बेहतर समझा। इसीलिए उन्होंने अपनी टोन चेंज करते हुए कहा, अब देखो बेटी, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है, लेकिन मिस्टर रंजन आगे अपनी बात कह पाते उसके पहले ही सायशा बोल पड़ी, मिस्टर अहलूवालिया हमेशा की तरह आपको सच्चाई नहीं पता होगी, इसीलिए मैं आपको सच्चाई से रूबरू करवाती हूँ। ये बोलकर सायशा ने अपनी बात कहना शुरू किया, और सारी बात पता होने के बाद भी रंजन सायशा के मुंह से राशि का सच सुनने लगे। इस वक्त वो ऐसा प्रटेंड कर रहे थे कि जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। सायशा ने कहा, आज शॉपिंग मॉल में मुझे किसी ने वॉशरूम के अंदर लॉक कर दिया था, और मैंने मॉनिटरिंग रूम में जाकर चेक किया, मेरा शक बिल्कुल सही निकला, मुझे वॉशरूम में लॉक करने वाली बेवकूफ और कोई नहीं बल्कि राशि ही थी। हालांकि चेक करने के पहले मुझे राशि की बेवकूफी पर पूरा यकीन था कि इतनी बड़ी बेवकूफी उसके अलावा मेरा कोई भी दुश्मन नहीं कर सकता, और जब मैंने मॉनिटरिंग रूम में जाकर देखा तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। इतना ही नहीं, राशि को सपोर्ट करने में आपकी धर्म पत्नी का भी पूरा सहयोग था, उन्होंने अपनी बेटी को पूरा साथ दिया। ये कहने के बाद सायशा चुप हो गई। हालांकि रंजन भी ये बात जानते थे कि राशि और उसकी माँ ने जो बेवकूफी की है, उन दोनों की बेवकूफी सायशा बहुत आसानी से पता लगा लेगी, लेकिन फिर भी
सायशा के मुंह से सच सुनकर वो हड़बड़ा गई और उन्होंने बात बनाने की कोशिश करते हुए कहा, अब बेटा ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी ये गलतफहमी हो सकता है राशि ने गलती से डोर बंद कर दिया हो। उनके इतना कहते ही सायशा ने हंसते हुए कहा, आपकी बात सुनकर मुझे पता चला कि राशि का आईक्यू लेवल किस पर गया है। मिस्टर अलूवालिया, राशि मुझे मॉल में एक घंटे से फॉलो कर रही थी, उसके बाद ही उसने सही मौका देखकर अपनी बेवकूफी का नमूना पेश किया है। रंजन ने बात संभालते हुए कहा, देखो बेटी जो भी हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। वो जैसी भी है आखिर है तो तुम्हारी बहन ही ना, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। इसे उसकी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दो। उसके इतना कहते ही सायशा ने कहा, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं उसे माफ़ कर दूंगी? बिल्कुल नहीं, उसने जो किया है उसे उसकी सजा मिलकर रहेगी। इस वक्त उसकी आवाज़ में जिद थी। रंजन ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, देखो सायशा मुझे पता है कि तुम मुझसे कितनी नफरत करती हो, लेकिन तुम हर्ष से प्यार तो करती हो ना, और वो भी तुम्हें अपनी सगी बहन से ज्यादा बढ़कर मानता है, तो उसकी खातिर तुम ये बात अभी तक मत पहुंचाना प्लीज। सायशा से अकड़कर बात करने वाले मिस्टर रंजन अलवालिया आज अभय के नाम पर इतने खौफ में थे कि वो सायशा के सामने अपने बेटे के लिए रहम की भीख मांग रहे थे, और ये चीज सायशा को कहीं ना कहीं बहुत सुकून दे रही थी। उनकी बात सुनकर जवाब में सायशा ने कहा, मिस्टर अलूवालिया आप बहुत खुदगर्ज इंसान हैं, और आपने इतनी बड़ी गलत फहमी कैसे पाल ली कि मैं आपकी बेटी को माफ कर दूंगी। ये लाइन कहने के बाद उसने फोन कट कर दिया। फोन कट होने के बाद रंजन अलूवालिया ने दांत पीसते हुए कहा, इस बेवकूफ लड़की को मेरे घर ही पैदा होना था, न जाने इसकी माँ ने क्या खाकर इस बेवकूफ को पैदा किया है। ले देखकर अभी जेल से बाहर निकली, अब फिर से जेल जाने की तैयारी कर ली। और उधर सायशा जैसे ही पैलेस पहुंची वहां अभय पहले से मौजूद था। आज ऑफिस में ज्यादा काम ना होने की वजह से अभय जल्दी से लौट आया था। इस वक्त वो लिविंग रूम में रखे आलीशान सोफे पर बैठकर मोबाइल में गेम खेल रहा था, लेकिन इस वक्त सायशा इतनी ज्यादा परेशान थी कि उसने अभय को नहीं देखा। वो हड़बड़ाती हुई अपने बेडरूम की ओर जा रही थी। जैसे ही उसकी नजर सायशा पर पड़ी उसने कहा, सायशा आज तुम काफी लेट हो गई। हूँ, अभय की आवाज सुनकर सायशा ने उस डायरेक्शन में देखा जहाँ से उसे आवाज सुनाई पड़ी थी। अभय को देखकर उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ थोड़ी लेट हो गई। ये शॉर्ट आंसर देखकर वो वहां से वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ी अभय ने उसके कपड़े देखकर कहा, सायशा आज सुबह तुमने ये ड्रेस तो नहीं पहनी थी, क्या ये तुमने न्यू ड्रेस खरीदी? हूँ, सायशा ने नहीं में सर हिला दिया। तब तक मैरी वहां पर पानी का गिलास लेकर पहुंची। सायशा ने पानी का गिलास लिया और मैरी को अपने गंदे कपड़ों का बैग पास करते हुए कहा, आप प्लीज इन कपड़ों को अच्छी तरह वॉश कर दीजिए, इसमें कुछ दाग भी लग गए, उन्हें संभाल कर क्लीन कर दीजिएगा। ओके मैम, बोलकर मैरी ने थैला ले लिया और वहां से चली गई। उसके वहां से जाने के बाद अभय को सायशा के साथ किसी अनहोनी का अंदेशा तो हो चुका था, क्योंकि उस वक्त सायशा के बाल भी बेतरकीबी से क्लश थे और कुछ रुके भी दिखाई दे रहे थे। अभय ने सायशा की ओर देखकर कहा, सायशा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? सायशा ने आंखें गोल घुमाकर कहा, अभय क्या मैं आज तक तुमसे कोई बात सीक्रेट रख पाई हूँ जो आज रखने की कोशिश करूंगी? हूँ, ये बात सुनकर अभय ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, ये लाइन्स तुमने मेरी तारीफ में कही या तुमने मुझे टॉन्ट मारा? हूँ, उसके इतना कहते ही सायशा बोल पड़ी, आज मैं लावण्या के साथ शॉपिंग में गई हुई थी, शॉपिंग होने के बाद मैं वॉशरूम गई, वहाँ किसी ने मुझे बाहर से लॉक कर दिया। ये बात सुनकर अभय ने आंखें सिकोड़ कर कहा, क्या तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? सायशा ने नहीं में सर हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, ये तो अच्छा था कि मेरे पास मेरा मोबाइल फोन था जिससे मैंने लावण्या को कॉल करके वहाँ बुला लिया। अभय ने नाराज होते हुए कहा, ये किस मॉल में हुआ, मैं अभी कभी वो मॉल बंद करवा देता हूँ। सायशा ने गहरी सांस लेकर कहा, अभय पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद अपना डिसीजन देना। ये कहते हुए सायशा ने गहरी सांस ली और कहा, वॉशरूम के अंदर लॉक करने के बाद किसी ने मुझ पर गर्म सूप भी फेंका, इससे मुझे समझ में आ गया कि किसी ने जानबूझकर मुझे वहां लॉक किया है। जब मैं लावण्या के साथ मॉनिटरिंग रूम में पहुंची तो मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि राशि और मिसेस अलवालिया मुझे कई घंटों से फॉलो कर रहे थे और उन्होंने ही मुझे मौका देखकर वहां लॉक कर दिया। उसकी सारी बातें सुनकर अभय ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, इस राशि को एक बार फिर सबक सिखाना पड़ेगा, बेचारी जेल जाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। ये कहते वक्त उसके चेहरे में और उसकी आवाज में उसका गुस्सा साफ तौर से झलक रहा था। ये कहने के बाद अभय ने अपने पॉकेट से अपना मोबाइल फोन निकाला और रोजी का नंबर डायल किया। दूसरी ओर से जैसे ही फोन रिसीव हुआ अभय बोल पड़ा, रोजी अलूवालिया कंपनी की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दो। रोजी ने हमेशा की तरह ओके सर शॉर्ट आंसर दिया और फोन कट कर दिया।
फोन कट होने के बाद साइशा ने आंखें सिकोड़ कर अभय की ओर देखते हुए कहा, अभय तुम किस आखिरी उम्मीद की बात कर रहे थे? अभय ने होठों को कल करते हुए कहा, तुम्हें कोई टच भी कर दे तो मैं उसके हाथ उखाड़ कर फेंक दूं। तो राशि ने अपने माँ के साथ मिलकर तुम्हें नुकसान पहुँचाया था, तो सोचो मैं उनका और उनके पूरे खानदान का क्या हाल करूंगा। ये बात सुनकर साइशा ने आंखें गुल घुमाकर कहा, अबे तुम बात बात में अलुवालिया खानदान के पीछे क्यों पड़ जाते हो? जहां गलती राशि और उसकी माँ ने की थी, फिर उसकी सजा पूरे लोगों को क्यों? अभय ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, राशि जैसी जहर पैदा करने की सजा तो पूरे खानदान को मिलनी चाहिए ना। अभय की ये बात सुनकर साइशा को हंसी आ गई और उसने जवाब दिया, अभय तुम ना सचमुच बहुत अजीब हो, समझ में नहीं आता कि तुम्हारे सीने में दिल है या जिगर। ये कहते हुए वो क्यूट सी स्माइल देकर अभय को देखने लगी। इस वक्त उसके चेहरे की ये क्यूटनेस अभय को बहुत अच्छी लग रही थी। अभय गौर से उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। साइशा ने फील किया कि महीनों बाद अभय की नजरों में उसके लिए एक बार फिर से वही केयर और फीलिंग थी जो उसने अभय से मिलकर पहली बार महसूस की थी। साइशा ने उसे नजरें चुराते हुए कहा, अभय मेरे बाल गीले, मैं अभी इन्हें सुखा कर आती हूँ। ये बोलकर वो वहां से तेजी से अपने बेडरूम की ओर चले गए। अभय उसे स्माइल करते हुए जाते देखने लगा, फिर कुछ सोचकर वो भी उसके पीछे बेडरूम में पहुंचा। इस वक्त साइशा बेडरूम में लगे बड़े से शीशे के सामने बैठकर ड्रायर से अपने गीले बालों को सुखा रही थी। अभय उसके करीब पहुंचकर बोला, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। साइशा ने जवाब दिया, अभय इट्स ओके, मैं कर लूंगी। अभय ने अपनी आवाज सख्त करते हुए कहा, आजकल तुम बहुत जिद्दी होती जा रही हो, लगता है मुझे तुम्हारी क्लास लेनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर साइशा ने अपनी नजरें नीचे कर ली। इस वक्त अभय शीशे में साइशा को बगैर पलके झपकाए देख रहा था। वो इस वक्त अपनी नजरें नीचे करके चुपचाप बैठी हुई थी। कुछ देर बाद अभय ने ड्रायर बंद किया और साइशा का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। इस वक्त साइशा का सर अभय के सीने के बहुत करीब था। उसके सीने से लगते ही साइशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। कई महीनों बाद आज अभय उसके साथ रोमांटिक जो हो रहा था, और ये पल साइशा और अभय को बहुत सुकून देने वाला था। अभय ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, उस राशि को तो उसकी इस बेवकूफी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साइशा को उम्मीद थी कि इस वक्त अभय उसके साथ कुछ और करेगा, लेकिन अभय की बातें सुनकर साइशा ने आंखें सिकोड़ कर उसकी ओर देखा। अभय ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, तुम देखना 48 घंटों के अंदर मैंने अलवालिया खानदान को घुटनों पर नहीं बिठा दिया तो मेरा नाम अभय खन्ना नहीं। ये कहते वक्त अभय के चेहरे पर उसका गुस्सा झलक रहा था। उसकी इस बातों को सुनकर साइशा मन में सोचने लगी, मुझे तो लगा कि ये साइको मुझे अपने सीने से लगाकर कुछ रोमांटिक बातें करेगा, लेकिन ये तो फिर से वही जहरीली बातें कर रहा है। वो ये सोच ही रही थी कि तभी अभय ने उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया और रोमांटिक होकर उसकी आंखों में देखने लगा। साइशा भी उसकी आंखों में देख रही थी। अभय ने शरारती तरीके से उसकी ओर देख कर कहा, तुम क्या सोचती हो, मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहती हो। उसकी ये बात सुनकर साइशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। क्या अभय और साइशा की ये दूरियां खत्म हो जाएंगी? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। इस वक्त अभय साइशा के साथ अपने बेडरूम में मौजूद था और इस वक्त वो साइशा का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। अभय के ऐसा करने से साइशा का दिल जोरों से धड़क रहा था। अभय साइशा के होठों के करीब गया और उसके ऐसा करते ही साइशा ने अपनी आंखें बंद कर ली कि तभी अचानक साइशा ने अभय की आवाज सुनी, चलो डिनर करते, बहुत भूख लग रही है। उसकी आवाज सुनकर साइशा ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, अभय अपने पॉकेट में हाथ डालकर शरारती स्माइल देते हुए उसकी ओर देख रहा था। अभय की नजरों से ये समझ में आ रहा था कि अभय समझ गया था कि साइशा क्या सोच रही है, लेकिन अभय भी कुछ कहां कम था। उसने उसे छेड़ने के अंदाज में कहा, तुम अपनी आंखें क्यों बंद कर लेती हो? उसकी बात सुनकर साइशा ने नहीं में सर हिलाया। अभय ने तिरछी स्माइल देते हुए कहा, बताओ ना तुमने क्या सोचा। उसके इस सवाल पर साइशा को खुद पर ही शर्म महसूस हो रही थी। अभय ने हंसते हुए कहा, हर वक्त गंदी बातें सोचती हो, चलो खाना खाते हैं। ये बोलकर उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला और वहां से डाइनिंग एरिया की ओर चला गया। साइशा अपने सर पर टपली मारती हुई खुद से बोली, ये मुझे क्या हो गया है, मैं क्या सोचने लगी हूँ। ये कहते हुए उसे खुद पर हंसी आई और वो भी अभय के पीछे डाइनिंग एरिया की ओर चली गई। रात के 1 बज चुके थे। साइशा और अभय अपने बेडरूम में मौजूद थे। साइशा काफी गहरी नींद में सो रही थी कि तभी अचानक उसे जोरों की ठंड लगने लगी। उसने अपने पैर के पास रखा ब्लैंकेट खुद पर डाला और सो गई। अभय इस वक्त गहरी नींद में था। साइशा को फिर से जोरों की ठंड लग रही थी और इस वक्त वो इतनी गहरी नींद में थी कि उसे खुद का कोई होश नहीं था। अभय को महसूस हुआ कि साइशा उसके काफी करीब आ चुकी है और वो इस वक्त उसके सीने से लगकर सो रही है।
अभय ने महसूस किया कि इस वक्त उसकी बॉडी काफी गर्म है। उसने सायशा को खुद से दूर किया। उसके ऐसा करने से सायशा की नींद खुल गई और खुद को अभय के इतने करीब देखकर वो एक पल के लिए शॉक्ड हो गई। अभय ने उसके माथे को छू कर देखा और कहा, सायशा तुम्हें तेज फीवर है। सायशा ने कुछ नहीं कहा क्योंकि फीवर की वजह से उसे थोड़ी कमजोरी लग रही थी। अभय अपने बेड से उतरकर कबर्ड के पास गया और मेडिसिन लाकर उसे संभाल कर सायशा को दिया और उसे सहारा देकर उठाकर बिठाया और मेडिसिन खिलाते हुए कहा, बहुत जल्दी फीवर ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ये बोलकर अभय ने उसे फिर से लिटा दिया और सायशा के करीब बैठ गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि सायशा पूरी तरह पसीने से लथपथ थी और वो अभी ठंड से कांप रही थी। गहरी नींद में होने के बाद भी उसके चेहरे पर उसकी तकलीफ समझ में आ रही थी। ये देखकर अभय ने एक बार फिर उसका माथा छूकर देखा। अब भी उसे तेज फीवर था। अभय के टच करने से सायशा की नींद खुल गई। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, मैं भी डॉक्टर को कॉल करता हूँ, तुम्हारी तबीयत काफी खराब है। सायशा ने नहीं में सर हिलाते हुए कहा, नहीं अभय, अभी डॉक्टर को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी। उसकी बात सुनकर अभय ने उसे घूर कर देखा और कहा, सायशा हर बात पर जिद मत किया करो, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। सायशा भी अपनी जिद में आ गई और उसने कहा, मैंने कहा ना मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगी। उसके इतना कहते ही अभय ने उसे डांटते हुए कहा, अगर तुमने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो तुम्हारे साथ रहकर आयांश की भी तबीयत खराब हो सकती है। हो सकता है तुम दोनों की वजह से मेरी भी तबीयत खराब हो जाए। तो क्या तुम ये चाहोगी कि तुम्हारी वजह से दो बेकसूर लोग बीमार पड़े? उसके जिद के आगे सायशा ने चुप रहना ही बेहतर समझा। अभय ने डॉक्टर को कॉल किया। रात के 3 बज चुके थे। डॉक्टर ने सायशा की नब्ज चेक करके उसे मेडिसिन दी और वहां से निकल गया। अभय ने आयांश को मैरी के पास छोड़ दिया। वो नहीं चाहता था कि आयांश की वजह से सायशा की नींद में डिस्टर्ब हो। इस वक्त सायशा गहरी नींद में सो रही थी। गहरी नींद में होने के बावजूद उसने माथे पर गीली पट्टी महसूस की और उसने अपनी आंखें खोल कर देखा। सामने अभय मौजूद था। वो गीले कपड़े से सायशा के हाथ पैर स्पंज कर रहा था। उसने जैसे ही सायशा की खुली आंखें देखी, उसके बालों को सहलाते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा है वायरल फीवर है, जल्दी ठीक हो जाएगा। सायशा ने आंखों से हां में इशारा कर दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के बाद उसने अपने होठों पर अभय के होंठ महसूस किए। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप आंखें बंद कर ली। अगली सुबह सायशा का फीवर अब तक कम नहीं हुआ था, इसीलिए अभय उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। इस वक्त वो सायशा के लिए बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि सायशा को इतना तेज फीवर आया हो। उसे रात भर तकलीफ में देखकर अभय भी ठीक तरह से सो नहीं पाया था। सायशा को वीकनेस होने की वजह से डॉक्टर ने उसे कुछ घंटों के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा था। इस वक्त अभय सायशा के साथ मौजूद था और वो सायशा के माथे पर गीली पट्टी बदल रहा था। हालांकि ये काम करने के लिए नर्स भी मौजूद थी, लेकिन ये जिम्मा अभय ने अपने हाथ में ले रखा था। कुछ देर बाद सायशा का फीवर पूरी तरह से उतर चुका था। उसने जैसे ही आंखें खोली, अभय ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? सायशा ने आंखों से हां में इशारा कर दिया। कुछ देर बाद वहां डॉक्टर पहुंचे। सायशा का प्रॉपर फॉलोअप लेने के बाद डॉक्टर ने उसे घर ले जाने के लिए कह दिया। डॉक्टर के साथ बातें करते हुए अभय भी सायशा के वार्ड से बाहर चला गया था। उसे हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी भी पूरी करनी थी। और उधर इस वक्त सायशा को अच्छा महसूस हो रहा था। उसके साथ मौजूद नर्स ने सायशा की ओर देखा और स्माइल करते हुए कहा, आप बहुत लकी हैं जो आपको इतना प्यार करने वाले हस्बैंड मिले, वरना मर्द जात तो ऐसी होती जो सिर्फ औरत को बिस्तर तक ही प्यार करती है, लेकिन आपके हस्बैंड बिल्कुल अलग हैं। नर्स की बात सुनकर सायशा ने कुछ नहीं कहा, बस स्माइल कर दिया। अभय फॉर्मेलिटी करने के बाद वार्ड में वापस पहुंचा और उसने सायशा का हाथ पकड़कर उसे उठने में हेल्प की और उसे सपोर्ट देकर हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में पहुंचा, जहां देवा कार के साथ मौजूद था। उसने संभल कर सायशा को कार की पिछली सीट पर बैठा दिया और खुद उसके पास वाली सीट पर सेटल हो गया। अब सायशा का चेहरा देखकर समझ में आ रहा था कि वो बिल्कुल ठीक है। सायशा ने अभय की ओर देखा और कहा, थैंक्स अभय मेरी इतनी केयर करने के लिए। ये बोलकर वो अभय की आंखों में देखने लगी। जवाब में अभय ने कहा, यू आर ऑलवेज वेलकम। ये बोलकर अभय विंडो से बाहर देखने लगा। कुछ देर बाद उनकी कार पैलेस के सामने आकर रुकी। कार के रुकते ही अभय ने कार का डोर ओपन किया और संभल कर सायशा को पैलेस के अंदर ले गया, जहाँ पैलेस अमित मौजूद था। अमित ने सायशा की ओर देखकर कहा, भाभी अब आपकी तबीयत कैसी है? मुझे जैसे ही पता चला कि आपकी तबीयत खराब है, मैं फौरन आपसे मिलने चला आया। उसकी बात सुनकर सायशा ने स्माइल करते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहते हुए सायशा वहां रखे सोफे पर सेटल हो गई। अभय ने अमित की ओर देखकर कहा, अमित तुम भाभी का ख्याल रखना, मैं अभी चेंज करके आया। उसकी बात सुनकर अमित ने रिप्लाई किया,
आप भाभी की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा भैया, अब मैं आ गया हूँ। अमित की बात सुनकर अभय ने कुछ नहीं कहा और वहां से अपने बेडरूम की ओर चला गया। उसके वहां से जाने के बाद अमित ने सायशा की ओर खुश होकर देखा और कहा, भाभी आपको बहुत अच्छी न्यूज दिखाना है जिसे देखकर आप खुशी से उछल पड़ेंगे। सायशा कुछ बोल पाती उसके पहले ही अमित ने लिविंग रूम में लगी टीवी पर न्यूज चैनल लगा दिया, जिसमें न्यूज चैनल रिपोर्टर जोर जोर से कह रहा था, रंजन और हर्ष अलवालिया दोनों मिलकर अपने बिजनेस को नहीं बचा पाए। अब अलवालिया फैमिली जिनके नाम की मिसाल दी जाती थी, ये पूरी तरह रोड पर आ चुकी है। ये न्यूज सुनकर सायशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। टीवी पर रंजन और हर्ष की तस्वीरें भी दिखाई जा रही थी, और इतना ही नहीं बल्कि अलवालिया हाउस भी नीलाम होने की कगार पर था। रिपोर्टर जोर जोर से माइक पर कह रहा था, मिस्टर रंजन अलवालिया ने कभी नहीं सोचा होगा कि उन्हें जीते जी ये दिन भी देखना पड़ेगा। ये कहते हुए बार बार वो उनके नुकसान की कहानी अपने अंदाज में सुना रहा था। सायशा हैरान होकर टीवी देख रही थी। अमित ने टीवी ऑफ की और खुश होकर कहा, भाभी कैसी लगी न्यूज? उसकी आवाज में उसकी खुशी झलक रही थी। सायशा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी और कहीं न कहीं उसके दिल में अजीब सा सुकून था। हालांकि सायशा ऐसी लड़की नहीं थी कि किसी को तकलीफ में देखकर उसे खुशी मिले, लेकिन आज ये न्यूज देखकर उसे ऐसा लगा था मानो उसकी माँ का बदला पूरा हो गया हो। उसे एक एक करके हर वो पल याद आ रहे थे जब रंजन ने अपने परिवार के साथ मिलकर उसे और उसकी माँ को हर पल नीचा दिखाया था। उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और अमित की ओर देखकर कहा, अमित ये किसने किया? इस वक्त उसकी आवाज नॉर्मल थी। अमित ने बेपरवाही से जवाब दिया, ये काम थ्री फॉक्स मल्टीनेशनल कंपनी ने किया है। उस मल्टीनेशनल कंपनी ने 24 घंटों के अंदर अलवालिया के शेयर्स डाउन कर दिए, और इतना ही नहीं बल्कि उन्हें कुछ ही घंटों के अंदर दिवालिया घोषित कर दिया, और कुछ घंटों के अंदर बैंक का लोन ना चुका पाने की वजह से बैंक ने उनका घर नीलाम करने का ऑर्डर पास कर दिया। ये बोलकर अमित खुश होकर सायशा की ओर देखने लगा। वैसे तो सायशा को बिजनेस का ज्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन अभय की वजह से उसे कुछ कंपनी के नाम हमेशा याद रहते थे, इसीलिए थ्री फॉक्स कंपनी नाम सुनकर सायशा ने सवालिया नजरों से अमित की ओर देखकर कहा, अमित इस कंपनी का नाम मैंने पहली बार सुना है, ये किसकी कंपनी है? अमित ने आइब्रोज झुकाकर कहा, गेस कीजिए कौन हो सकता है? सायशा ने आंखें गोल घुमाकर सोचा और कुछ कंफ्यूज सा फेस बनाकर कहा, अभय के अलावा और कौन हो सकता है? जरूर ये काम अभय ने ही किया होगा। उसकी बात सुनकर अमित ने अपनी आंखें गोल घुमाकर कहा, ओफो आपको तो बस हर वक्त अपने हस्बैंड की अच्छाई ही नजर आती है, आपके हस्बैंड के अलावा भी और लोग हैं इस दुनिया में, फिर से गेस कीजिए। ये कहते वक्त अमित की आवाज में उसकी झूठ मूठ की नाराजगी थी। सायशा ने अपने माथे पर हाथ रख के कहा, अगर ये काम अभय ने नहीं किया है तो और कौन हो सकता है जो अलवालिया फैमिली से इतनी नफरत करता है? ये सोचते हुए उसने एक बार फिर कंफ्यूज सा फेस बनाकर अमित की ओर देखा और कहा, अमित मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बताओ ना। अमित ने नहीं में सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, आप गेस कीजिए कि कौन है वो जिसने 24 घंटों के अंदर अलवालिया को उनकी हैसियत दिखा दी। ये बोलकर अमित स्माइल करते हुए उसके चेहरे की ओर देखने लगा। सायशा ने एक बार फिर अपने होठों को गोल घुमाते हुए कहा, अमित मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तुम बता दो ना प्लीज। अमित भी अपनी जिद में था, उसने नहीं में सर हिलाते हुए कहा, मैं नहीं बताऊंगा, आप गेस कीजिए आखिर कौन है वो शख्स जिसने रंजन अलवालिया को बर्बाद कर दिया। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।